जब आओगे भक्तों, भक्तों लगभग लगभग 1-1.5 महीने बाद आपकी सेवा में बाबा के आशीर्वाद से वापस अपनी जो एक चीज़ छूट गई थी उसको पाते हुए, और आज की जो वीडियो है पहली वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये आने वाला सावन है, सावन आने स्टार्ट होने वाला है, और सावन में बाबा भोलेनाथ की बहुत असीम कृपा रहती है। भोलेनाथ महाराज जिनके रुद्र अवतार या जिनके अंश अवतार कह सकते हैं हम, जो अंश अवतार हैं हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, और बाबा भोलेनाथ हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के गुरु भी हैं, सिद्धि गुरु भी हैं, उन्हीं से सिद्धि प्राप्त हुई है गोरखनाथ जी को। तो आज मैं एक उपाय बता रहा हूँ, जो भी बच्चा जो भी परिवार अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान है, जो भी लड़का लड़की अपनी शादी को लेकर परेशान है, वो इस उपाय को कर लो सावन में। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बाबा कृपा से आपकी शादी अवश्य हो जाएगी, अवश्य। बस एक छोटा सा उपाय है, ये उपाय करना है आपको। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कृपा से आपकी शादी अवश्य हो जाएगी। सावन के इस पूरे महीने में आप एक उपाय कर लीजिए। और दूसरी चीज़ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि देखिए, चेला गोरख का चैनल का जो मकसद है वो है घर घर में बाबा की जोत जगाना। जो लोग परेशान हैं उन लोगों तक उनकी परेशानी का हल पहुंचाना, वो भी बिना पैसा लिए, वो भी उनका बिना पैसा खर्च कराए। तो मैं आपसे बस यही कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिएगा। देखिए, मुझे इस चैनल से कोई इनकम या कमाई का जो सेटअप है वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये आध्यात्मिक चैनल है। और अगर आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, क्योंकि यूट्यूब से कमाने के लिए चैनल सब्सक्राइब है ये सब चीज़, तो अगर देखें तो आध्यात्मिक चैनल पर सब्सक्रिप्शन और कमाई सबसे कम है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस चीज़ की तो सोचता नहीं हूँ, बाकी तो जो बाबा कृपा है अगर कुछ होता है तो होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हर घर में बाबा की जोत जगे और जो भी परेशान हो उसको उसकी परेशानी का हल मिले। और आज मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जल्दी से नोट कर लीजिए, पेन पेपर ले लीजिएगा और एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए, किस तरह से करनी है। वो शादी अवश्य होके रहेगी, कोई रोक नहीं सकता शादी होने से आपकी। जय बाबा की, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जो धामाहार की, जय बागर तेज सरकार, सदाई जो। देखिए भक्तों, सावन के महीने में माँ गौरा ने शिव जी महाराज की पूजा की थी, आराधना की थी, और इसी वजह से सावन को शादी जो जो इच्छा रखता है शादी की उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम मास माना गया है। भगवान श्री को भोलेनाथ महाराज जी ने माँ गौरा को ये वरदान दिया था कि इस माह में जो भी अपने लिए वर या वधु की कामना करेगा उसकी ये जो आराधना है, उसकी जो ये साधना होगी, उसकी जो भक्ति होगी वो संपूर्ण होगी। तो मैं आपको छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, करना क्या है आपको, सावन सावन आपको प्रतिदिन जाना है बाबा के मंदिर में, जाना है बाबा की पिंडी पर, आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप दूध डालो या आप 10 किलो दूध लगाओ, ये लगाओ, मैं नहीं भाई, बहुत सिंपल सा उपाय साहब, बिना पैसे का उपाय बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, एक लोटा जल, बस एक ध्यान रखिएगा, जो जल है वो आप अपने घर से लेके जाएं। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मंदिर में ही लोटा ढूंढना है, मंदिर में ही पानी ढूंढना है, जल ढूंढना है, अपने घर से भर के लोटा जल का लेके जाएं। और उस जल में अगर संभव है, कंपलसरी नहीं है, अगर संभव है, 2 दाने चीनी के, 2 दाने चावल के और थोड़ा सा दूध आप उसमें डाल सकते हैं। पर अगर संभव नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक लोटा जल लेके जाएं और बाबा के जल अर्पण करें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जल अर्पण करने के बाद अक्सर उसी मंदिर में देखिए, कोशिश कीजिएगा जिस मंदिर में बाबा की पिंडी के साथ बाबा का पूरा परिवार हो, नंदी, गणेश महाराज, कार्तिक महाराज और माँ गौरा हो, उसी मंदिर में आप सबको स्नान करा दें। स्नान कराने के बाद में आपको क्या करना है, कलावा आता है ना, वो कलावा अपने पास रखना, उस कलावे से पिंडी से लेकर और माँ गौरा को देख लीजिएगा कहाँ है, चारों तरफ उनके ऐसे एक राउंड धागोगे ना तो 7 राउंड लगाने हैं आपको, 7 बार उनको ऐसे ऐसे कलावे से 7 राउंड लगाने हैं उनके, दोनों पिंडियों के, बाबा भोलेनाथ की पिंडी और माँ गौरा की, आपको 7 राउंड लगाने हैं। और 7 राउंड लगाने के बाद आपको बाबा से, माँ गौरा से प्रार्थना करने की, जैसे आप सदा सदा के लिए एक हैं, जैसे आप एक दूसरे के प्रति पूर्ण हैं, उसी तरह से हे माँ गौरा, हे बाला भोलेनाथ, मेरा
को भी पूर्ण करें। मेरे को जो वर की इच्छा है या वधु की इच्छा जो भी इच्छा है उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा जो बेटर हाफ है या मेरा जो जोड़ा है उस जोड़े को संपूर्ण करें। और बाबा कृपा करें कि अगला सावन मैं आपकी अपने जोड़े के साथ पूजन करूँ, आपके अपने जोड़े के साथ पूजन करूँ, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है उनसे, ठीक है। और 7 राउंड लगा के और हाथ जोड़ के और कोई भी एक फूल, फूल क्या होता है मैं बताऊँ, फूल और प्रसाद बोला जाता है, मैं यहाँ फूल चढ़ाएंगे बताऊँ, प्रसाद नहीं, प्रसाद हम जब चढ़ाएंगे जब हमारे शादी हो जाएगी, मैं एक फूल की बात कर रहा हूँ, एक फूल चढ़ाएंगे यहाँ पर। फूल बीज होता है, फूल का मतलब कि आपके घर में धन धान्य बनने वाला है, आपका जोड़ा बनने वाला है, तो आप एक फूल चढ़ाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करके वहाँ से आ जाएंगे। कोई व्रत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस केवल इतना सा काम है, 10 मिनट आपको लगने वाले हैं इसमें, 10 से 15 मिनट केवल आपको सावन प्रतिदिन ये कार्य करना है, सावन प्रतिदिन आपको ये कार्य करना है। 10 मिनट का समय लगने वाला है इसमें, आपको जाना है, बाबा को चढ़ाना है जल, 7 बार कलावे से माता गौरा को और बाबा भोलेनाथ को बांधना है और उनसे प्रार्थना करनी है इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है। ये कार्य आप कर लो, मैं आपको वादा करता हूँ बाबा महाराज की कृपा से आपकी शादी 100% हो जाएगी, 100% हो जाएगी। बस काम क्या करना, देखो कोई भी काम ना भक्ति से होता है, कोई भी काम विश्वास से होता है। हालात बहुत ख़राब है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लगभग 1.5 महीने बाद मैं ये वीडियो अब चैनल पर पोस्ट करने वाला हूँ। ऊपर वाले के आशीर्वाद से, बाबा की कृपा हुई है वापस से मुझ पर और मैं वापस से आया हूँ। कुछ रोक लगी थी बीच में किसी की, ऊपर वाले ने, तो वो ख़त्म हुई है, वापस आया हूँ। तो मैं पहली वीडियो ही क्योंकि सावन आ रहा, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, उनके माँ बाप परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, तो ये बच्चे कर सकते हैं, ये बच्चों को ही करना है, माँ बाप करेंगे तो नहीं होगा भाई। माँ बाप के लिए एक दूसरा उपाय मैंने चैनल पर डाला हुआ है ऑलरेडी, जिन्हों माँ बाप कर सकते हैं तो वो आप कर लीजिएगा आपको, अगर आपको करना हो तो, बाकी नहीं तो बच्चे इस उपाय को करें। आपको 100% इसका इम्पैक्ट मिलेगा, आपकी शादी हो जाएगी, बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी, माँ गौरा की कृपा होगी आपके ऊपर और आप सफल दाम्पत्य जीवन जिएंगे। बस आपको करना क्या है मैंने आपको बता दिया है, तो बाबा महाराज की कृपा से उनका ध्यान दीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और पूरी भक्ति के साथ, मैं फिर कह रहा हूँ पूरी भक्ति के साथ, पूरी तन्मयता के साथ इसका काम कीजिएगा। और जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है, जो ये उपाय करने वाले हैं सावन में, वो मुझे इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम और स्थान कहाँ से वो बात कर रहे हैं वो भी डालें, मैं भी बाबा से प्रार्थना करूँगा कि उनकी जो शादी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, उनकी शादी हो जाए, उनका विवाह हो जाए, और मैं भी ये प्रार्थना करूँगा। सभी पर बाबा कृपा करें। जय जय सिद्ध गोरखनाथ, जय जय धाम, बोलो सिद्ध महाराज की जय।